जहां साथियों इस वक्त की बड़ी खबर इंडियन आर्मी से निकलकर आ रही है, जहां देश की सुरक्षा करते हुए हमारे एक और 22 साल के प्यारे संजीव भाई शहीद धतरवाल देश की सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जवान गांव बेलरथा के रहने वाले थे। जवान के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं जवान के सम्मान में निकाली जा रही है 1000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ 1000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्षेत्र के आसपास के लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद जवान शोभित की अंतिम यात्रा के दर्शन करने पहुंचे। जवान शोभित के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए शहीद जवान शोभित को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उनके ही सदम्य साहस को बारंबार नमन किया है। जवान शोभित के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने अंतिम स्थल की तैयारियों का जायजा लेकर अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जवान के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग भारी संख्या में जवान के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सेना सम्मान के साथ शहीद जवान शोभित धतरवाल का अंतिम संस्कार उनके गांव बेलरखाम में किया जाएगा, जहां सेना के जवान शस्त्र सलामी देकर शहीद परिजनों को तिरंगा सौंपेंगे। जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर शहर से उनके गांव लाया जा रहा था, तभी शहर के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर जवान शोभित को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनके ही सदम्य साहस को बारंबार नमन किया। आपके दिलों में इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा सा प्यार है तो जवान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता के वीर सिपाही शहीद जवान शोभित सर को मैं उनकी सेवाओं के लिए सच्चा नमन करता हूँ। वहीं इस दुख की घड़ी में उनके वीर परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। भारत माता के वीर सपूत का अंतिम संस्कार आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके गांव बेलरखाम में किया जाएगा।